हेलो किड्स, तो क्या आप भी नए नए स्टाइल के नेकलेस पहनने के शौकीन हैं? लेकिन आपको बनाने नहीं आते, तो आइए आज मैं आपको नेकलेस बनाने का एक नया स्टाइल सिखाती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जन्नत से कहीं बढ़ के हसी मेरा वतन है, हम सर है फलक की जो जमी मेरा वतन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके होस्ट मिस किरण शफीक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिस किरण एप्टीट्यूड। तो नाज़रीन, हमेशा की तरह आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई कुछ खास लेकर। तो नाज़रीन, आज मैं आपको नेकलेस बनाने का एक नया स्टाइल सिखाऊंगी। तो चलिए बढ़ते हैं स्टाइल की तरफ। नाज़रीन, आज जो नेकलेस का स्टाइल मैं आपको सिखाने जा रही हूँ वो है किड स्टाइल, किड स्टाइल इन माला। ठीक है, तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। नेकलेस बनाने के लिए जो जो चीजें हमें जरूरत हैं उनमें रॉयल ब्लू कलर के मैंने क्रिस्टल बीड लिए हैं 1 तोला, गोल्डन मैंने सिंपल गोल मोती लिए हैं नॉर्मल साइज में, और मैंने बड़े साइज में भी गोल मोती जो है मैंने ले लिए गोल्डन कलर में। 2 मैंने इतने इतने छोटे छोटे साइज के तबके लिए हैं, मतलब सिलमा लिया है, और साथ ही मैंने वायर के 4 पीसेस करके ले लिए हैं। ये आप देख सकते हैं इतनी इतनी मैंने काट ली हैं, और साथ ही एक सीजर हमें चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बड़ी वाली वायर के 2 हिस्से उठा रही हूँ, इस तरह से इनको इकट्ठा करूंगी। नाज़रीन गौर से देखिएगा, इस तरह से इकट्ठा करके सिलमे के अंदर से मैं इन्हें गुजार दूंगी। इस तरह से, इस तरह से मैंने गुजार दिया इन दोनों को, और ये हमारे जो एंड्स हैं वो 4 एंड्स बन गए हैं। इस तरह से अब मैंने क्या करना है वो से देखिएगा नाज़रीन, ये देख सकते हैं आप, इस तरह से मैंने डाल ली। इस साइड से पकड़कर मैं इसमें मोती डालना शुरू करूंगी। नाज़रीन अब मैं इसमें 6 मोती डालूंगी सिंपल गोल, 1, 2, 3 and 4, 5 and 6। 6 मैंने सिंपल मोती डाले, गौर से देखिएगा नाज़रीन। 3 जो है मैं ये रॉयल ब्लू कलर के डाल रही हूँ, क्रिस्टल मोती डाल रही हूँ, 1, 2 और 3। फिर उसी तरह मैं 6 और मोती डालूंगी, इस तरह से पीछे कर लेते हैं इनको। फिर मैं गोल मोती डालूंगी, गौर से देखिएगा नाज़रीन, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। फिर से मैं 3 जो है वो रॉयल ब्लू कलर के क्रिस्टल मोती डालूंगी, 1, 2 and 3।
और फिर से मैं 6 जो है सिंपल गोल्डन मोती डालूंगी, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। नाजरीन गौर से देखिएगा, ये बहुत ही आसान है, थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये देख रहे हैं ये हमारी शेप आने शुरू हो गई है। अब क्या करना है, इस तरह से टाइट कर लीजिएगा, अब दोनों वायर्स को अलग-अलग करना है, इस तरह से अलग करके ये जो दो एंड हमने काटे थे इनको हम इसमें लगा देंगे इस तरह से। तो नाजरीन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो एंड्स जो है, ये एक और जो मैंने वायर लगाई है उसका एंड और जो पहले से वायर लगी थी उसका एंड पकड़कर हमने इसमें एक मोती डाल देना है इस तरह से, और पीछे तक ले जाना है। अब इसी तरह से हमने दूसरे दो एंड्स को भी पकड़ना है, दूसरे दो एंड्स को पकड़कर उनमें भी एक एक मोती, एक मोती दोनों एंड्स में डालना है इस तरह से। इस तरह से डालने के बाद अब हमने सारे एंड्स को अलग अलग कर देना है। गौर से देखिएगा नाजरीन, इन एंड्स को इस तरह से अलग करना है। ये मैंने चारों एंड्स जो हैं अलग अलग कर दिए हैं। अब क्या करना है हमें, ये मैं पहला एंड उठा रही हूँ, इसमें एक मोती इस तरह से डाल के और स्ट्रिप में मैं इसी वायर को डाल रही हूँ, इसके एक होल में डाल रही हूँ इस तरह से। नाज़रीन गौर से देखिएगा, ये बहुत आसान है। इस तरह से मैंने एक और एंड में डाला मोती और उसको भी मैं वायर के होल में से गुजार लूंगी इस तरह से। फिर मैंने नेक्स्ट उठाया एंड, उसमें भी इसी तरह से एक मोती डालूंगी मैं ऐसे, और उसको भी मैं तीसरे होल में डाल लूंगी इस तरह से। साथ ही साथ में ये लास्ट वाला जो एंड है उसे उठा रही हूँ और इसमें भी एक मोती डाल रही हूँ। ठीक है, और अब मैं लास्ट एंड में डालने लगी हूँ इस तरह से। इस तरह से नाज़रीन आप देख सकते हैं ये हमारी ट्रायंगल की शेप बन गई है। अब हमने क्या करना है, अब ये चारों के चारों एंड्स जो हैं वो अलग अलग हो गए हैं। अब हमने सबसे पहले सबसे नीचे वाला एंड लेना है। अब नाज़रीन बहुत ही गौर से देखिएगा, बाकी एंड्स को हम साइड पे कर देते हैं और ये हमने सबसे नीचे वाला एंड लिया है और उसमें हम सबसे पहले 3 क्रिस्टल मोती डाल रहे हैं। नाज़रीन बहुत गौर से देखिएगा, ये बहुत आसान है। पहले 3 मोती क्रिस्टल डाल लिए मैंने, अब हम गोल मोती जो हैं, गोल बीड्स जो हैं, 10 गोल बीड्स डालेंगे। वन टू थ्री फोर
फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। फिर हम दोबारा तीन क्रिस्टल मोती डालेंगे। दोबारा से हम तीन जो है वो क्रिस्टल मोती डालेंगे। और गौर से देखिएगा नाज़रीन, बहुत ही आसान है ये। मैंने फिर से तीन क्रिस्टल मोती डाल दिए। अब क्या करना है नाज़रीन, आप गौर से देखिएगा, जो ये गोल मोती हैं बड़े साइज में, ये मैं उठा रही हूँ एक, नाइन ये वाले मोती हमने डालने हैं, नाइन बड़े मोती और साथ ही एक एक छोटा मोती। ठीक है, गौर से देखिएगा नाज़रीन, एक मैंने बड़ा मोती लिया, साथ ही साथ छोटा बीड ले लिया, फिर बड़ा डालूंगी। इसी तरह करते हुए हमने नाइन बीड्स पूरे करने हैं, नाइन बिग बीड्स पूरे करने हैं। ठीक है नाज़रीन, ये हमारे नाइन बीड्स पूरे हो गए हैं, बिग बीड्स। फिर अब हमने क्या करना है, थ्री रॉयल ब्लू क्रिस्टल बीड्स में ले रही हूँ, तीन थ्री फिर से डालने हैं, वही काम अगेन करना है, थ्री क्रिस्टल बीड्स डालने हैं, फिर टेन जो है वो गोल्ड बीड्स डालने हैं, स्मॉल गोल्ड गोल्ड बीड्स, और साथ ही साथ फिर थ्री क्रिस्टल बीड्स डालने हैं। अब मैं स्मॉल गोल्ड बीड्स डालूंगी। अब मैं थ्री क्रिस्टल बीड्स डाल रही हूँ फिर से। अब लास्ट में मैं एक जो फिर से लास्ट में मैं एक स्ट्रिप डाल रही हूँ, स्ट्रिप के एक होल में इसको डाल के इस तरह से रख रही हूँ, इस तरह से रख रही हूँ। और अब मैं इसके साथ वाला दूसरी जो एंड्स हैं वो ले रही हूँ, वायर के दूसरे एंड्स। ये देखिए नाज़रीन, पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, एक एंड लिया और उसमें सारे मोती डाल लिए मैंने, परो ली। अब दूसरी वायर ले रही हूँ, ये वाली, इसके साथ वाली। ठीक है, इसमें भी वही काम करना है, यहां तक वही काम करना है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। जो भी हमें चेंजिंग करनी है वो मिड में करनी है। ठीक है, गौर से देखिएगा, फिर से मैं थ्री क्रिस्टल फिर टेन जो है मैं स्मॉल गोल्ड मोती ले रही हूँ, और फिर थ्री क्रिस्टल डालने के बाद हमने यहां पर चेंजिंग करनी है। ठीक है, गौर से देखिएगा नाज़रीन। अब क्या करना है हमने कि सारे एंड्स सबके सब जो चार की चार वायर्स हैं उन चारों में यहां तक तो सेम है, उसके बाद चेंजिंग करनी है हमने मिड में। यहां मिड में चेंजिंग करनी है। मिड में क्या चेंजिंग करनी है कि टू टू बीड्स जो है वो कम करते जाना है। सबसे पहले हमने नाइन बीड्स लिए, उसके बाद नेक्स्ट वायर में जो है हम सिक्स बीड्स लेंगे, उससे नेक्स्ट में हम थ्री बीड्स लेंगे और उससे नेक्स्ट में हम वन बीड लेंगे। ठीक है, बिग बीट की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ये वाली जो सेम चीज है ये भी सेम रहेगी, सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग हमने यहां करनी है, सिर्फ टू टू का गैप देते जाना है। ठीक है, यहां तक तो मैंने सेम कर लिया। अब मैंने क्या करना है, यहां वाले एंड में मिड में जो है मैंने नाइन बीट्स डाले थे, बिग बीट्स। ठीक है, नाइन बिग बीट्स डाले थे, अब मैं इसमें नेक्स्ट में मैं सिक्स बीट डालूंगी, सिक्स बिग बीट। ठीक है नाज़रीन, गौर से देखिएगा, वन ये मैंने वन बिग बीट डाले, उसके साथ एक छोटा बीट डाल रही हूँ, स्मॉल बीट, फिर बिग बीट, इसी तरह फिर स्मॉल बीट, फिर बिग बीट करूंगी, फिर स्मॉल बीट, फिर बिग बीट, ये हमारे फोर बीट्स हुए हैं अभी तक। फिर एक और मैं डाल रही हूँ स्मॉल बीट्स, बिग बीट,
स्मॉल बीट एंड बिग बीट। नाज़रीन ये हमारे सिक्स जो है बिग बीट हो गए। उसके बाद अब सेम हमने इसी तरह थ्री जो है क्रिस्टल बीट डालने हैं, फिर टेन जो है हमने स्मॉल बीट्स डालने हैं गोल्डन में, और फिर थ्री बीट्स डाल देने क्रिस्टल। ठीक है, अब हम इसी तरह से डालेंगे थ्री क्रिस्टल बीट्स, ये हमारे पूरे हो गए। अब हम इसको फिर से यहाँ एंड से लेकर दूसरे होल में, इसके साथ वाले होल में डाल रहे हैं सेंट को, इस तरह से खींच लेंगे इस तरह। ये देखिए नाज़रीन, अभी से हमारी शेप आना शुरू हो गई है। अब क्या करना है, फिर से हमने इसके साथ वाली वायर लेनी है, वायर का एंड पकड़ना है, और फिर से थ्री क्रिस्टल, टेन स्मॉल गोल बीट्स, और फिर से थ्री क्रिस्टल। ये तीन करके, ये तीन प्रोसेस करने के बाद हमने यहाँ पे चेंजिंग करनी है। सबसे पहले हम ये क्रिस्टल डाल रहे हैं, उसके बाद गोल्ड डालेंगे, फिर क्रिस्टल, फिर उसके बाद बिग पे आएंगे। ठीक है नाज़रीन, फिर से हमने वही प्रोसेस कर लिया। अब क्या करना है, हमने बिग बीट्स पे आना है। बिग बीट का मैंने आपको पहले भी बताया था कि टू टू का गैप रखना है। सबसे पहले पे हमने नाइन बीट्स रखे थे बिग बीट्स, फिर उसके बाद हमने सिक्स जो है बिग बीट्स रखे थे। अब हम थ्री बिग बीट्स रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम दोनों सब में दो दो का गैप दिए जा रहे हैं। अब मैंने थ्री बिग बीट डालने हैं। ये हमारे थ्री बिग बीट जो हैं वो डाल दिए हमने इसमें। फिर से वही काम करना है, सेम प्रोसेस, थ्री क्रिस्टल बीट्स, टेन स्मॉल गोल्ड बीट्स, और साथ ही थ्री क्रिस्टल बीट्स। इस तरह से नाज़रीन हमारे ये भी पूरे हो गए तीन। अब हमने क्या करना है, इसके साथ वाले स्ट्रिप के होल में फिर से इसको एक एंड को डालना है और इस तरह से खींच लेना है। ये देखिए नाज़रीन, हमारी शेप आ रही है और ये बहुत ही खूबसूरत शेप आ रही है। अब क्या करना है, जो आखिरी एंड हमारा बच्चा, आखिरी वायर का एंड जो है वो लेना है, और इस तरह से इसमें हमने फिर से वही काम करना है, थ्री क्रिस्टल बीट्स, टेन स्मॉल गोल्ड बीट्स, और फिर थ्री क्रिस्टल बीट्स। ये डालने के बाद हमने यहाँ पर चेंजिंग करनी है। सबसे पहले हम ये थ्री क्रिस्टल बीट डालेंगे इस तरह से, फिर टेन जो है हम गोल बीट्स डालेंगे इस तरह से। नाज़रीन ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है, और दिखने में भी बहुत प्यारा डिजाइन है। नाज़रीन अक्सर औकात बच्चे माला नहीं पहन सकते, क्योंकि माला जो है वो बड़ों के लिए होती है, और बच्चे शौकीन होते हैं कि हम माला पहने, क्योंकि आजकल बच्चों की आदत होती है कि जो भी बड़े करेंगे वो छोटे भी करना चाहेंगे, वही पहनना चाहेंगे, वही फैशन करना चाहेंगे जो बड़ों ने किया होगा। तो इसीलिए मैंने ये डिज़ाइन निकाला है। इसका ये है कि ये छोटे भी आराम से पहन सकते हैं, और ये माला डिज़ाइन है, तो इसमें कोई हैवीनेस नहीं होगी। ये स्पेशली मैंने बच्चों के लिए बनाया है, आप भी ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने बच्चों को भी ज़रूर पहनाइएगा। अब हम थ्री क्रिस्टल बीट्स इसमें डालेंगे। तरह से अब हमने क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने गैप टू टू का देना है। पहले इसमें हमने टू का गैप दिया, फिर इसमें अब इसमें। पहले हमने नाइन रखे, उसके बाद हमने थ्री रखने हैं, फिर उसके बाद
पहले 9 रखे, फिर उसके बाद हमने 6 लेने हैं, फिर 3 और अब 1। ये मैंने एक बिग बीट डाला और फिर से वही प्रोसेस हम अगेन करेंगे। थ्री क्रिस्टल बीड्स। नाज़रीन, कलर कॉम्बिनेशन जो है वो मैंने अपनी मर्जी से लिया, आप चाहें तो डिफरेंट कलर ले सकते हैं और ये एक कलर में भी बना सकते हैं। ये भी हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है नाज़रीन, इस एंड को पकड़कर मैंने ये लास्ट होल जो है स्ट्रिप का उसके अंदर से गुजार देना है इस तरह से। नाज़रीन गौर से देखिएगा, इस तरह से आपने भी सारे धागों को पकड़कर इस तरह से टाइट करना है। अब क्या करना है नाज़रीन, गौर से देखिएगा, पहले हम ये एंड पकड़ रहे हैं स्ट्रिप में डालने के बाद, इसमें हम दो जो है मोती डालेंगे स्मॉल बीड्स। फिर इसमें हम 7 वाले में एक स्मॉल बीड डालेंगे। नाज़रीन गौर से देखिएगा, मिस्टेक हरगिज ना कीजिएगा, ये बहुत आसान है। इस तरह से एक मोती हमने डाला, फिर उसके 7 वाले में भी हम एक ही मोती और डालेंगे इस तरह से, और जो लास्ट वाला है उसमें भी हम 2 मोती डालेंगे। गौर से देखिएगा नाज़रीन, इस तरह से 2 बीड्स डाल दिए। अब क्या करना है, अब हमने 2-2 वायर्स को इस तरह से साथ में कर देना है। पर ध्यान रखिएगा यहां से टाइट हो, स्पेस ना रह रही हो, ठीक है। अब मैंने दोनों एंड्स को पकड़कर बराबर बराबर काट लेना है इस तरह से। नाज़रीन गौर से देखिएगा, मैंने इस तरह से साथ पकड़कर बराबर कर लिया है। और इस तरह से इसमें अब दोनों एंड्स में मैं 7 से गुजारूंगी। नाज़रीन अब हमने क्या करना है, इन सारी की सारी वायर्स को इस तरह से इकट्ठे करके बराबर कट कर लेना है इस तरह से। और इनमें से अब इन सारी वायर्स में से हमने सबसे पहले 6 गोल मोती जो हैं, गोल स्मॉल बीड्स जो हैं गुजारने हैं। ये प्रोसेस जहाँ पे हमने ये प्रोसेस किया था बिल्कुल सेम यही प्रोसेस यहाँ पे भी करना है। पहले हमने 6 जो गोल 6 मोती हैं वो गुजारने, उसके बाद फिर 3 क्रिस्टल मोती, फिर गोल बीड्स, फिर 3 क्रिस्टल बीड्स एंड फिर गोल बीड्स, ठीक है। इस तरह से कट करूंगी। इस तरह से कट करूंगी। नाज़रीन आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत हो गया है, ये हमारा नेकलेस तैयार है। अगर नाज़रीन आप चाहें तो, अगर आप चाहें तो आप ये कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने पर्ल का टच दिया है, इसमें मैंने रॉयल ब्लू का टच दिया था, इसमें मैंने पर्ल का दिया। आप चाहें तो आप किसी और कलर का भी दे सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और नाज़रीन एक बार और फिर से बताती चलूं कि यहां पर और यहां पर हमने सेम मोती डाले, उसके बाद हम यहां पर आए, यहां पर इतना इतने साइज पे हमने सेम मोती डाले, यहां मिड में हमने चेंजिंग की है, 3-3 का गैप दिया है। सबसे पहले हमने 9 बिग बीड्स लिए, उसके बाद हमने 6 बिग बीड लिए, फिर हमने 3 बिग बीड लिए और फिर आखिर में 1 बिग बीड लिए, ठीक है। और नाज़रीन आप देख सकते हैं हमारा नेकलेस जो है वो तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।